जय माँ भद्रकाली। प्रत्येक सप्ताह हम आपको बतलाते हैं आपकी राशि में कौन सा ग्रह क्या मुसीबत लेकर आने वाला है। इसके सूक्ष्म उपाय करने से आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, इसलिए हमारे राशिफल को अवश्य देखें। साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि, कार्यों में सफलता के योग हैं, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम में मन नहीं लग रहा है, काम करने में अलाली और सुस्ती आ रही है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सात परिक्रमा नित्य प्रति करने से आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि, वाहन से इस सप्ताह बहुत ज़्यादा सावधानी बनाकर रखें। आपके जो रुको हुए पैसे हैं वो मिलने के योग बन रहे हैं और कलह कलेश जो होने वाली है उससे बहुत सावधानी रखें। ऐसे में क्या करें? पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार राम राम लिखें और हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। मिथुन राशि, गुस्सा, मानसिक तनाव एवं स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने की संभावना बन रही है या पारिवारिक अशांति, फिजूल पैसा खर्च होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का सभी लोग ध्यान रखें। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? एक नारियल में रक्षा सूत्र को बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, ओम पीपलेश्वराय नमः इसका ध्यान कर, मंत्र का ध्यान करके। कर्क राशि, नौकरी व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के योग भी बन रहे हैं, व्यापार में लाभ के योग हैं और नज़र से सावधान रहें। जलापन ऐसा लोगों का आपके साथ चल रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के आटा और शक्कर को मिला करके पीपल के चारों ओर डाल दें, जिससे काली चींटियों को भोजन मिलेगा, आपके ग्रहों की शांति होगी। ओम पीपलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, गुस्सा, शारीरिक तनाव, पीड़ा, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह बनने के लगभग योग बन रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इन ग्रहों को शांति के लिए मछली को नित्य प्रति शाम के समय भोजन कराना चाहिए किसी तालाब नदी कुआं के पास जाकर, इससे आपके ग्रहों में सफलता मिलेगी। कन्या राशि, बनते बनते कामों में रुकावट, धन लाभ के योग बन रहे हैं एवं रुकावटों में जो योग बन रहे हैं शत्रुओं से बहुत सावधान रहें। धन का लाभ होने की संभावना, रोके पैसे मिलने की योग बन रहे हैं और अधिक सफलता के लिए क्या करें? कुत्ते को एक रोटी अवश्य देना चाहिए और गरीब को भोजन अवश्य कराएं। तुला राशि, काम में मन नहीं लग रहा, काम में ध्यान देना चाहिए, लगन और मेहनत करें, आपको सफलताओं के योग बन रहे हैं, पर सुस्ती अलाली आएगी उससे बच कर रखें। गाय को रोटी नित्य देना ना भूलें एवं पीपल के पेड़ में जाकर के सात परिक्रमा करें, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि, पूजा पाठ में जो आपका मन लगता था आजकल ध्यान कम लग रहा है, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा गिरावट आ सकती है, हाथ पैर कमर से इत्यादि दर्द उत्पन्न हो सकता है, ऐसे में क्या करें? भगवान सूर्य को प्रातःकाल उठकर सूर्य को अर्घ दें, ओम ह्रीं सूर्याय नमः और पीपल में जल अर्पण करने से आपका कल्याण होगा। धनुराशि, पैसा आता है खर्च हो जाता है, पैसों में रुकावट नहीं बनती है और मानसिक तनाव बनता जा रहा, फिजूल पैसा खर्च हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं पर जैसी सफलता मिलना चाहिए वो सफलता आपको नहीं मिल पा रही, ऐसे में क्या करें? पीपल में एक दीपक घी का रोज जलाने का नियम बना लीजिए, आप देखेंगे। ओम पीपलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें, आप देखेंगे ईश्वर की कृपा से आपकी सही बाधाएँ दूर हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक तनाव, इतने समय से जो आप 1.5-2 साल से परेशानियों को जूझ रहे हैं, धीरे धीरे समय समय आपकी परेशानियां दूर होंगी। मानसिक चिंता तनाव धन लाभ के योग बन रहे हैं पर धीरे धीरे आपको सफलता मिलती जाएगी। आपको क्या चाहिए? पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के 108 बार राम राम लिखें और आटा और शक्कर लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चारों ओर डाल दें और 108 राम राम लिखा हुआ पर्चा हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि, शनि की 7.5 चल रही है, विगत जो इतने समय से मानसिक टेंशन, अशांति,
पैसों में रुकावट न होना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अशांति का माहौल बना, फिजूल खर्चे होना और बरकत ना होना, ऐसे कई ऐसे योग आपके चल रहे थे पर सने सने अब आपको लाभ के योग बन रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा कर के एक लोहे की खील में काला धागा बांधकर ओम सन सनिश्चय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शनि देव को अर्पण करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। मीन राशि, कार्यों में सफलता के योग हैं, लाभ के योग बन रहे, स्वास्थ्य में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसमें सुधार के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव बिल्कुल न लें, टेंशन बिल्कुल न लें। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको गुरुवार के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का ध्यान करें और पीपल के पेड़ के नीचे आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों को भोजन कराएं, आपका कल्याण होगा। और अपने जन्मदिन पर आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक पेड़ अवश्य लगाएं, वो पेड़ जब तक बड़ा ना हो जाए उसमें जल अवश्य सींचें, आपके एक पेड़ से हजारों लोगों का कल्याण हो सकता है, छाया मिल सकती है, फल मिल सकते हैं। साथियों, आपके बच्चे मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, अशांति, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, बच्चे कुछ करना चाहते कर नहीं पा रहे, उनका मन कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, कैसे हम तरक्की करें, इन सभी सवालों के जवाबों के लिए हमारी एक कहानी एवं राशिफल को देखते रहें यूट्यूब पर। आगे हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे, तब तक के लिए जय माँ भद्रकाली। एक ऐसा दरबार जहां होती है मन्नतें पूरी, भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम, हस्तरेखा, कुंडली निर्माण, ग्रह शांति विशेषज्ञ, YouTube सर्च मेरे गुरुदेव।